नमस्ते दोस्तों फिर से मैं एक नया वीडियो लेके आ चुकी हूँ आप सबके सामने ये एक नया किताब है जो कि स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन से आता है अब... मॉडर्न हिस्ट्री की जो किताब पढ़ते हैं स्पेक्ट्रम उसी के पब्लिकेशन से ये किताब है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो ये बुक मैंने अभी रिसेंटली मैंने ये ऑनलाइन से मंगवाई है अमेजोन से मैं किसी को प्रोमोट नहीं करी हूँ लेकिन मैं इस बुक के बारे में बस बताना चाहती हूँ इसीलिए बस मैंने अमेजोन का नाम लिया नहीं तो मैं वो भी नहीं लेती आ, बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंस एंड ट्रीटीज आजकल आपको इंटरनेशनल रिलेशन से बहुत सारे क्वेश्चन दिखेंगे कि आने लगे हैं इसी वजह से मैंने इस किताब को मंगवाया कि बहुत सारे जो हमारे की होते हैं जो कि इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड होते हैं वो सब चीज़ें भी आपको इसमें बहुत ही अच्छे से मीनिंग के सहित एकदम डिक्शनरी की तरह मिल जाते हैं तो ये सारी चीज़ से आप जो भी इंपॉर्टेंट हमारे टॉपिक्स अगर क्वेश्चंस फॉर्म में देखें तो यहाँ से आप डेफिनेशंस भी थोड़ा सा उठा सकते हैं अब मैं दूसरी बात पे जाती हूँ सारे जो टर्म्स यहाँ पे पहले है इसके बाद आपके जितने भी यूनाइटेड नेशनस हैं ऑर्गेनाइजेशंस है ठीक है उसके सारे जो जितने सिग्निफिकेंस है क्या है सब कुछ इसमें है और अब मैं थोड़ा सा कॉन्टेंट की तरफ जाती हूँ कॉन्टेंट आपको थोड़ा सा दिखाना चाहिए ये देखिए कॉन्टेंट देखिए आप मेजर कॉन्फ्रेंसेस कॉन्वेंशन ट्रीटीज हमारे जो रिपोर्ट्स कौन सी किसने पब्लिश किया है ये एक बहुत ही मतलब फेवरेट क्वेश्चन है प्रेम्स के यूपीएससी के रीजनल और क्या है और सिर्फ वो उसके बारे में लिखना नहीं उसके बारे में सब कुछ बताया जाता है आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है कि मैंडेट सिस्टम क्या होता है ठीक है उसके बाद आप देखिए देख सकते हैं कि स्पेशल बॉडीज जो कि डेमोग्राफिक इसके साथ डील करते हैं कौन क्या रिपोर्ट निकालता है कौन किसके साथ डील करते हैं सब कुछ है प्रिलिम्स से पहले इसको अगर आप एक बार रिवाइज कर, करके जा अगर पढ़ सकते हैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हैं तो आपके यहाँ से दो तीन क्वेश्चन इजीली निकल जाएंगे तो मैं ऑब्वियसली सबको बताऊंगी कि आप भी इस किताब को फॉलो कर सकते हैं और इसमें काफी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ आप देख ही सकते हैं बहुत ही अच्छा अच्छी किताब है आप देख सकते हैं यहाँ पे सिग्निफिकेंस ऑफ एशियन चार्टर ये सब भी है और यहाँ पे भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं ये सारी चीज़ बहुत ही अच्छे हैं आप इस किताब को जरूर देख सकते हैं थोड़ा सा और नहीं तो आप ये सब ऑनलाइन से भी अगर आप देखे वहाँ से भी नोट बना सकते हैं लेकिन मुझे ये किताब दिखा तो मुझे लगा कि एक बार सबको बता देना चाहिए और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और ऐसे और भी न्यू न्यू किताब यूनिक किताब जिसके बारे में शायद आपको ना पता हो लेकिन बहुत ही अच्छी किताब हो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा बहुत बहुत धन्यवाद